चलो ये तो हो गया है याद, अब मैं अपनी स्टेशनरी सेट कर लेती हूँ, सुबह पेपर है मेरा। अल्लाह, कोई पेन ही नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या लेकर जाऊंगी सुबह एग्जाम में, सारे खराब हुए पड़े हैं, इंक वाले पेन तो हो चल ही नहीं रहे। ये कलर मार्कर्स ये थोड़े काम आएंगे एग्जाम में, क्या करूं अब, मेरे पास तो कोई स्टेशनरी नहीं है, सिर्फ एक ये रेजर पड़ा है। शिफा क्या हो गया है भाई, परेशान क्यों हो? मून मैं क्या करूं, सुबह मेरे एग्जाम है और मुझे कोई अच्छे पेन भी नहीं मिल रहे हैं और मेरा बोर्ड भी गुम हो गया है, पता नहीं मैं पेपर किस तरह दूंगी सुबह। शिफा मम्मा ने अभी तो तुम्हें इतने ज्यादा पेन दिलवाए थे और बोर्ड भी दिलवाया था, मुझे लगता है तुमने अपनी चीजों की ना केयर नहीं करती हो, जो वक्त से पहले ही टूट जाते हैं, अपनी चीजों की ना केयर करनी चाहिए। हाँ मून तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो फ्रेंड्स मेरे पास तो कोई है ही नहीं स्टेशनरी जो मैं पेपर्स में यूज करूं, तो मैं जा रही हूँ नई नई स्टेशनरी लेने। मुझ चलोगे ना सर? हाँ हाँ चलाओ, चलते हैं। क्योंकि स्टेशनरी अच्छी होगी तो एग्जाम्स भी अच्छे होंगे, तो आप भी चलो मेरे साथ, में क्या क्या स्टेशनरी का सामान लेती हूँ। अरे शिफा ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है शिफा, तुम न्यू स्टेशनरी लेने जा रहे हो? अरे हादी हमने तुम्हें नहीं लेके जाना, तुम बहुत सामान ले लेते हो। मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अरे भाई हम नहीं तुम्हें लेके जाएंगे, तुम तो फैंसी स्टेशनरी बहुत लेते हो और एग्जाम में तो सिंपल यूज होती है, फैंसी तो यूज नहीं होती, तुम्हारे पास ऑलरेडी फैंसी इतनी ज्यादा स्टेशनरी पड़ी है। भाई मेरा भी तो पेपर, मुझे तो स्टेशनरी चाहिए ना। अच्छा मून इसको ले जाते हैं, ये फजूल में हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है शिफा ले जाते हैं। हाँ चलो, लेकिन ध्यान से, फैंसी चीज कोई भी नहीं। हाँ अच्छा चलाओ चलते हैं। वो तो मैं लूंगा। पेंसिल लेनी है कि पेन? मून हम छोटे बच्चे हैं जो पेंसिल यूज करेंगे, पेन यूज करते हैं, पेन है ये वाला ले। नहीं नहीं ये ब्लू वाला। हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा है। नहीं मैं तो ये लूंगा मून, ना राइटिंग जो नहीं नहीं, नहीं मैं ये लूंगा, मुझे तो ये वाला जो है ना शिफा, तुम ना शिफा तुम ना ये ले लो, इतना राइटिंग अच्छी होती है। ऐसा मेरे पास है पेन ले लो मून। शिफा यहीं से ले लो भाई, जो लेना है थोड़ा सा ये अच्छा पॉइंट है। हां ठीक है, चॉकलेट भी वाओ, ले लो ये वाला, मैं ये और पेन ले लूं, ये वाला यूज होता है, ये येलो या फिर ऑरेंज या ग्रीन। मून ये देखो येलो वाला ले लो, ये देखो मैंने कौन पेन लिया, ये हां एक ले लो। नहीं नहीं मम्मा ने ना पहले ही कहा था कि इसको ना लेके जाओ, एक लो सर। अब नहीं मैं दोनों लूंगा। नहीं एक लो, जिसने भाई स्टेशनरी लेनी थी ना उसको तो पसंद ही नहीं आ रही है, और जिसने लेनी नहीं थी जिसके पास ऑलरेडी मौजूद थी वो पागल हो गया है देखकर। हाँ ये तो तुआए है, तुआए लेने नहीं आए हम यहाँ पर, तुआए है। बैटमैन लेने के लिए आई हो, स्टेशनरी लेने के लिए आए हो, मम्मा इसी वजह से तुम्हें भेज रही थी। नहीं कोई नहीं, ये वाला नहीं लेना। अच्छा ये सुपरमैन दिला दो। नहीं कोई नहीं, मम्मा ने इसी वजह से मना किया था इसको लेके जाने। हेडलाइन के लिए मैं सोच रही हूँ ये मोटा मार्कर ले लूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये बोर्ड मार्कर है। शिफा ये तो बोर्ड मार्कर है। हादी शिफा ने लेनी है स्टेशनरी, तुम क्यों ले रहे हो? गर्ल्स वाली है। हाँ ब्लू भी है। हादी नहीं तो आप बोल लेने के लिए आए हो इधर। शिफा मम्मा ना इसको ना इसी वजह से मना कर रही थी, नहीं लाना था इसको हमने। ये भी ले ही लेती हूँ, स्टिकी नोट। शिफा मैंने कहा था तुमने क्यों ले लिया ये? लो तुम ले लो, गर्ल्स वाले ले। आदि आदि आइसक्रीम लेने के लिए आए हो तुम यहाँ
यहाँ पे या स्टेशनरी का सामान लेने के लिए आए हो? नहीं लेनी। अरे हाथी आज के दिन आ दो प्लीज। अरे भाई स्टेशनरी लेने के लिए आए हैं, जो चीज लेने के लिए आए ना वो चीज लो। नहीं लेनी आइसक्रीम। चलो लेकिन दे रहे हैं। अरे भाई हाथी हम इसलिए नहीं आए। अच्छा ये लो, ले लो कुकी वाली। मैं भी लूंगी, मेरे लोग ले जाए दो ना। जो तुम के ले रही हो नहीं तुमने लेना। नहीं शिफा तुम यहाँ पर ये लेने के लिए आई हो? जो चीज वो लेगी वो चीज ये लेगी। डोनट का है? डोनट नहीं है। फ्रेंड्स डोनट नहीं है, मैंने डोनट लेना था। कैलकुलेटर दे दें। जी जी अंकल मुझे भी चाहिए। अंकल एक इंक पोर्ट भी दे दें, ये भी बहुत जरूरी है एग्जाम में। हाँ हाँ ब्लू कलर की छिपा मुझे भी चाहिए वो। अच्छा ऐसा करें एक स्केल दे दें और कटे हुए मार्कर दे दें और भी मैं आपको बताती हूँ इतना दे दें क्योंकि एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे वाह शिफा ये क्लिप बोर्ड तो बहुत यूजफुल है, इसके पीछे तो लिखने की जगह भी है। हाँ ये तो बहुत यूजफुल है, ये तो मैं जरूर लूंगी। हाँ हाँ देख लो इसमें से कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है। ये मुझे तो ये पसंद है और मैं ये वाला लूंगा। भाई सब कुछ ले लिया है ना? हाँ हाँ ले लिया है। अंकल जी इसका बिल कर दें आप। तो भाई हम स्टेशनरी की शॉपिंग कर कर आ गए हैं शिफा की और हादी की। आइए आप लोगों को दिखाते हैं इन दोनों ने क्या क्या लिया है। आइए सबसे पहले देखते हैं हादी ने क्या लिया है। भाई हादी को मना करने के बावजूद इसने फैंसी स्टेशनरी ली है। ये देखो जितने भी इसने पेन्स लिए है ना सारे के सारे पेन्सिल। हादी ये जो है ना एग्जाम्स में यूज नहीं होंगे। सबसे पहले तो इसने चीटिंग पेन लिया है। वाह 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 हादी तुम्हारी वो होगी ना टीचर से तुम्हें डांट अलग पड़ेगी। टीचर ने ये पेन हादी ने लिया है ये बहुत बुरी बात है। तो ये पेन गया पीछे, ये नहीं यूज करना। उसके बाद लिया है इसने ये शार्क वाला पेन, ये भी अच्छा है। ये शार्क वाला भी फैंसी पेन है। हाँ। और उसके बाद एक और आपको मैं पेन दिखाता हूँ और वो है ये इंजेक्शन वाला पेन। ये पेन तुम्हें टिक्कर लगाने के लिए। अरे भाई बस 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 करो। मैंने हादी से पूछा हादी इस पेन का मकसद क्या है? हाँ। आखिर ये पेन आप क्यों ले रहे हो? इसने मुझे बताया। आओ आपको भी बताता हूँ। चलो आपको भी इसको थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ। ये जो है बॉल पहले उतारी और इसका जो कैप है ना पहले इसको यहाँ पर रखा और ये ऐसे और ये देखें। वाओ ये तो पंखा बन गया। ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें पेपर नहीं आ रहा होगा। हाँ। इसलिए मैंने कहा था अच्छी तरह पढ़ो। हाँ। और अच्छी अच्छी फैंसी स्टेशनरी लो। उसके बाद इसने ये पेंसिल ली है। भाई वाओ कितना अच्छा प्रिंट हुआ है ना। हाँ ओह नो। उसके बाद ये भी इसने पेंसिल ली है जो कि इसके बिल्कुल काम की नहीं है। ये भी फैंसी है। आदि तुम बड़ी क्लास में हो देख लिया इसने फालतू खर्ची की है ये। उसके बाद हादी ने दिए हैं ये हादी ने फैंसी रेजर्स लिए हैं। हादी इस रेजर्स की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हाँ। तुम बड़ी क्लास में हो। देखा हम इसको इसी वजह हाँ। से नहीं लेके जा रहे थे। ये फैंसी चीजें ही बहुत लेते हैं। हादी मम्मा को पता चल गया ना तुमने इतनी फजूल खर्ची की है तो तुम्हें चप्पलों से मार पड़ेगी। अरे बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। और छोटे से ग्लासेस भी हैं। उसके बाद इसने एक और ये फैंसी पाउच लिया है पिकाचू वाला। अरे मुन ये तो फैंसी नहीं है। हादी फैंसी ही कहते हैं इसको भी। एक चीज इसने यूजफुल ली है वो है कैलकुलेटर जो इसको नीड होगी। उसके बाद लिया है इसने स्केल। उसके बाद लिया है इसने एक ये डायरी आईफोन वाली और एक स्केल। इस दोनों की भी इसको जरूरत होगी। अब आती मैं रिटर्न। चलो भाई शिफा अपनी स्टेशनरी दिखाओ। फाइनली मेरी टर्न आ गई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने लिया है
ये साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये तो यूजफुल है तुम्हारे लिए बहुत, क्योंकि मैथ के सवाल इतने मुश्किल होते हैं। तुम्हें भी नहीं आता है हादी? आप लोगों को क्या मैथ मुश्किल लगती है? अगर लगती है तो कमेंट करना। उसके बाद मैंने लिया है ये सिंपल पाउच, ये ट्रांसपेरेंट भी है, इसमें मेरा बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर बहुत ज्यादा है छिपा। तुम्हारे जितने भी पेन है ना आ जाएंगे। और मजे की बात पता है क्या, ये क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, हमारे एग्जाम में ना हमें टाइम नहीं होता जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी होती मतलब है। ट्रांसपेरेंट ना होता ना ऐसे ऐसे करके चीजें ढूंढने में बड़े ही मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। तो उसके बाद मैंने लिया है ये बोर्ड, और ये ना 1 और 2 है, देखो इसके पीछे है व्हाइट बोर्ड, मैं आपको दिखाती हूं। बहुत अच्छी है ये, यूजफुल होगी मैथ में। ये देखो क्वेश्चन वगैरह को इसमें लिख लो, नहीं चीटिंग नहीं सॉल्व कर सकते। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये स्पंज डस्टर, ये देखो इससे रिमूव हो जाए। फ्रेंड्स ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब मुझे मैथ के सवाल सॉल्व करने होंगे पहले मैं इस पे करूंगी, देन उसके बाद उस पे करूंगी शीट पर। ये और ये रहा व्हाइट बोर्ड मार्कर, और ये रहा स्पंज जिसे मैं रिमूव कर दूंगी। उसके बाद शिफा ने ली है एक इंक ब्लू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूज करूंगा। तुम हर चीज यूज कर लेना, तुम्हें हर चीज चाहिए, हर चीज चाहिए इसको। हदी बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद शिफा ने लिया है ये स्टेपलर, स्टेपलर के बाद शिफा दिखाओ क्या लिया है तुमने। मैंने लिए है उसके बाद ये स्टिकी नोट्स, ये वैसे पेपर्स में तो काम नहीं आने लेकिन डेली लाइफ में तो काम आएंगे ना। शिफा और क्या लिया है तुमने? शिफा ने लिया है एक हाईलाइटर, ये भी एग्जाम में तो यूज नहीं होगा लेकिन डेली लाइफ में होमवर्क या फिर हाईलाइट वगैरह करने के लिए यूज हो सकता है। लेकिन मैं अपने एग्जाम में ये जरूर लेकर जाऊंगी। पाउच में रख सकते हो, इसमें काफी स्पेस है। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये पेन, दिखने में ये बिल्कुल सिंपल पेन है लेकिन इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। तो मैं साथ ना 2 पेन रखती हूँ एग्जाम्स में भी और डेली लाइफ में भी, क्योंकि अगर एक पेन की इंक जो है खत्म हो जाती है, मसला हो जाता है, हाँ खराब हो जाता है, तो दूसरा काम आ जाता है, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। ये ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। एक और, क्योंकि ये सादा है ना बिल्कुल, और ये फैंसी है थोड़ा सा। मैंने जहाँ तक आइडिया लगाया है ना, जितने भी मैंने लिए हैं तो सिंपल होते हैं ना, उसकी जो है राइटिंग मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे भी मूल फैंसी की अच्छी लगती है, फैंसी कितनी ज्यादा अच्छी, फैंसी की ना थोड़ी शो सी होती है, लेकिन जो राइटिंग होती है वो सिंपल पेन की होती है। और साथ में इंक भी जरूर रखनी है एग्जाम्स में भी और डेली लाइफ में भी। तो फ्रेंड्स मैंने लिया है सिंपल इरेजर और सिंपल शार्पनर और पेंसिल, थोड़ी सी फैंसी, हाँ थोड़ी सी, नहीं थोड़ा थोड़ी सी है। चलता है हादी, उसने सारा एक कुछ सिंपल लिया है, तुमने हर चीज फैंसी ली है। तो उसके बाद मैंने लिए हैं ये 2 जेल पेन, एरोप्लेन पेन भी कहते हैं, एरोप्लेन पेन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जेल पेन है ना फास्ट और स्मूथ भी होता है, और स्मूथ भी होता है, राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है इस पेन की। और उसके बाद मैंने लिए हैं, फ्रेंड्स मैंने लिए एक ब्लू एंड एक ब्लैक मार्कर कटे हुए, क्योंकि ये हाईलाइट करने में तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये रिमूवर, एग्जाम में तो ये अलाउ नहीं होता, मैं डेली लाइफ में करती हूँ, हाँ बहुत बुरी बात है, तो मैं इसको करूंगी बाद में यूज। उसके बाद मैंने लिए हैं ये सॉफ्ट लाइनर ब्लैक एंड ब्लू, और उसके बाद मैंने लिया है ये कट 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 बाल पेन। फ्रेंड आप लोग ऐसे करते हैं अपनी क्लास में कट कट, हाँ, जब बोर हो रहे होते हैं, डांट पड़ती है ना, जब मैं बोर हो रहा हूँ ना ऐसे ऐसे करता हूँ कट कट कट, टीचर कहती है कौन कर रहा है ये, मैं कहता हूँ सॉरी टीचर अब नहीं करूँगा, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं ना यार, इंसान भूल जाता है। अगर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं ना तो आपको सिंपल स्टेशनरी की ही नीड होगी एग्जाम में, तो आपने सिंपल ही लेके जानी है। फैंसी तो ये है हम वैसे ही लेके जा सकते हैं क्लासरूम में, हाँ फैंसी जल्दी खराब भी हो जाती है लेकिन सिंपल जो है देर तक चलती है और मजबूत और स्ट्रांग होती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी ना तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।